मतलब वैसे तो अच्छा किया है उन्होंने, काफी विकास किया है अपने फिरोजाबाद के लिए। आपके यहाँ पानी की और साफ सफाई की व्यवस्था सब चीज सही है? पानी भी आता है, चेक भी करने आई थी वो। और पानी वानी की व्यवस्था तो यहाँ सही है, लाइट की व्यवस्था सही है जो पहले बहुत साल पहले फिरोजाबाद में खराब थी। मानना है कि एक बार उनको द्वारा विश्वास किया जाए, उन पर एक बार द्वारा उनको उतारा जाए। लाइट की यहाँ व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन ट्रैफिक की और सफाई की व्यवस्था पूरी तरह प्रॉपर नहीं है। हाँ, वो सही काम करवाती हैं। क्यों? वो अच्छी हैं। अच्छा। हाँ, वो अच्छा काम करवाती हैं। क्या अच्छा काम करवाया? सब ये पार्क सही है, सड़कों का काम तो सही है। पार्क बहुत खराब है, वो पार्क सही है, पार्क में कोई कमी नहीं है। ये थोड़ा ना कि पार्क को दोबारा मतलब पैसा करवाएंगे। अभी उन्होंने बोला कि घास मतलब दोबारा वही काट के वही लगा दी, तो घास को ही देखेंगे क्या? अभी उन्होंने लगाई ये घास, ये थोड़ा ना कि मतलब उग जाए तब आप देखो ना, ये थोड़ी ना है कि आप अभी मतलब देखोगे, जब अच्छी तरह आप हरियाली देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ना कि क्या घास वही काट के लगाई है, क्या वो क्या किया है। कहाँ घर है आपका? मेरा ये है जयमंदिर के पास में, वार्ड में मेरा देवनगर की साइड में रहता है। देवनगर में रहता है। तो आपके यहाँ पानी की और साफ सफाई की व्यवस्था सब चीज सही है? पानी भी आता है, चेक भी करने आई थी वो। हाँ, चेक पूरी गलियों में गई थी, सब जगह चेक किया और सब चीज अच्छी तरीके से देखा, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साफ सफाई है कि नहीं। ठीक है, नया मेयर कैसा होना चाहिए? वो नूतन नाटक नहीं चाहिए कि वो सब चीज अच्छी तरीके से कर रही है, संभाल रही है, और भी जो सरकार आएगी आएंगे, जो भी मेयर आएंगे, जितना वो भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कितने प्रतिशत नंबर देंगे आप उनको 100 में से? मेरे हिसाब से तो पूरे 100% 100 में से 100 मेयर ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे शहर के लिए विकास करे और लोगों की सुनवाई करे, लोगों की जनता की आम लोगों की जो परेशानियां होती हैं उनकी सुनवाई करे, यही चाहते हैं। वर्तमान में जो मेयर है उनके कार्यों को कितना कितना मतलब वैसे तो अच्छा किया है उन्होंने, काफी विकास किया है अपने फिरोजाबाद के लिए। मेयर ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने नहीं विकास किया है काफी, लेकिन देखो जो बनता है सभी उनकी बुराई भी करते हैं अच्छाई भी करते हैं, लेकिन मेरी तरफ से तो ये है कि अच्छा उन्होंने काम एक बार उन्हें द्वारा मेरा मानना है कि एक बार उनको द्वारा विश्वास किया जाए, उन पर एक बार द्वारा उनको उतारा जाए और जो बुनियादी सुविधाएं यहाँ की उस पर वो खड़ी उतरे, उनको दूर करे, वो एक मौका और देना चाहते हैं। वर्तमान से कितना संतुष्ट है? हाँ, वर्तमान नाम संतुष्ट है। कितना प्रतिशत? 80% आप कितना प्रतिशत? 70% तो है। 70% नया मेयर होना चाहिए तो वो पुरुष होना चाहिए महिला हो? ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष हो कि महिला हो, कोई भी हो, जो पर शहर का विकास करे और शहर का नाम आगे ले जाए। मतलब कि फिरोजाबाद पहले गंदगी में ज्यादा था कि अब तब भी बहुत विकास हुआ है और अच्छा विकास करे। आइए कुछ और लोगों से, इधर कुछ लोग बैठे हैं जिससे बातचीत करते हैं। मैडम देखिए, इस बार जो मेयर हो वो कैसा होना? देखिए सबसे बड़ी तो यहाँ पे सफाई और जो रोड है ना वो बहुत खराब है, रोड सही हो जाए, सफाई हो जाए और मेयर जनता को खिलाने वाला हो, जनता के लिए करने वाला हो, अपना भला अपना उद्धार करने वाला ना, हम तो मेन ये चाहते हैं मेयर के बारे में। और बाकी शहर की हालत सुधरी तो है पर इतनी नहीं, जैसे अब मार्केट खुल गया तो सफाई हो रही है, क्या सेंस है भाई, सब मार्केट में ठेले खड़े हैं, इतनी कन्वेंस खड़ी हैं, सब कुछ है भाई, अर्ली मॉर्निंग होनी चाहिए ना जो सफाई प्रॉपर नजर आए देखने में। और पानी वानी की व्यवस्था तो यहाँ सही है, लाइट की व्यवस्था सही है जो पहले बहुत साल पहले फिरोजाबाद में खराब थी, बस मेन तो हमें यही नजर आता है कि सफाई का मुद्दा और जैसे ट्रैफिक अनकंट्रोल्ड है बिल्कुल, कोई ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है। अभी सुभाष राय पे जो देखो मतलब क्रॉस करने में लेडीज को डर लगता है, या तो वो किसी जेंट्स का सपोर्ट करती है या देखते हैं कोई बाइक वाला कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं करता उसका वो क्रॉस करें। नहीं लगे हुए तो हैं, अब लाइट मैंने देखा कभी तो वो लाइट सिस्टम चालू है कभी चालू ही नहीं है। और क्या है ये जी, फिरोजाबाद की जनता है उसको कोई मतलब नहीं, रेड लाइट है ग्रीन लाइट है उसे निकालना है तो घर से निकालना ही निकालना है, तो उसकी व्यवस्था कोई प्रॉपर होनी चाहिए, कोई जुर्माना रखो या कुछ भी रखो उसको एम्पलीफाई करो है ना, तभी ठीक रहेगा। वर्तमान मेयर के कार्यों से कितना प्रतिशत आप खुश? देखिए वो तो सिर्फ नाम के लिए सही नाम लगा, मैं आपको जो फैक्ट है वो बोल, वो सिर्फ नाम की नहीं थी, उनको अपना कार्यकाल पूरा करना था।
तो अब जो मेयर है वो कैसा होना चाहिए, मतलब नया होना चाहिए या अनुभवी होना? नहीं, अनुभव भी हो। हम यूँ नहीं कहते यंग जनरेशन को आप चांस मत दो, यंग जनरेशन को चांस दो, वो एक्टिवली काम करेगा, पर मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो या एक्टिव हो, मतलब इस टाइप का हम चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि यंग जनरेशन जो ओल्ड एज के हो चुके हैं वो इतना एक्टिव नहीं हो पाते। एक्सपीरियंस तो होता है, फिजिकली इतना फिट नहीं है ना, वो चीज़ होती है। तो थोड़ा मतलब यंग भी हो, थोड़ा सा अनुभव हो और अंदर से कुछ करने का जज्बा हो उसके अंदर। ये नहीं है कि बस मैं बन गया और जो बन गया तो बन गया, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है कि भाई अपना अपना भला, वो चीज़ नहीं। आपको आप किस नजरिए से कैसा होना चाहिए? मेयर ऐसा हो जो शहर का विकास कर सके। लाइट की यहाँ व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन ट्रैफिक की और सफाई की व्यवस्था पूरी तरह प्रॉपर नहीं है। वो पूरी तरह प्रॉपर होना चाहिए। और इसमें नवयुवक भी काम करते हैं, लेकिन ओल्ड एज वालों को अनुभव ज़्यादा होता है। तो इस तरह का हो कि जिनको अनुभव भी हो और काम भी कर सके, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा मेयर चुना जाए जो शहर के विकास में कामयाब, युवा हो या पुराना? नहीं, युवा भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि युवा नहीं काम करते। युवा भी अच्छी तरह काम करते हैं, समय प्रॉपर देते हैं, और मध्यम वर्ग भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित तो हो तभी काम कर पाएगा, बिना शिक्षित के काम तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक शिक्षा का अनुभव नहीं होगा तब तक उसे पूरी तरह का अनुभव नहीं होगा। महिला या पुरुष? नहीं, महिला पुरुष में कोई भी हो, ऐसा कुछ नहीं है कि महिला काम नहीं कर सकती या पुरुष काम कर नहीं सकती। दोनों में कोई भी व्यक्ति हो तो काम तो करने का जज्बा हो, जज्बा होगा तो काम होगा, शहर का विकास होगा। आपको क्या लगता है, क्या संदेश है? मेयर शहर की समस्याओं को देखे, अच्छा काम करे, और शिक्षित व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा, शहर की पूरी तरह देखभाल करे, बस यही। वर्तमान मेयर के कार्यों से कितना प्रतिशत आप संतुष्ट हैं? वर्तमान मेयर से लगभग हम 60% संतुष्ट हैं। 60% है। ठीक, धन्यवाद जी। वर्तमान में जो मेयर हैं उनके कार्यों से कितना प्रतिशत आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ पर ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं, इस बार कैसा होना चाहिए? अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा मतलब? मतलब बढ़िया वो होना चाहिए, जैसे हर इंसान को समझ में आए कि हाँ कुछ किया। जी, धन्यवाद।